तो अगर आप फाइबर पर एक न्यू सेलर हो और अभी तक आपको अपना पहला ऑर्डर नहीं मिला है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम बाय रिक्वेस्ट की मदद से अपना फर्स्ट ऑर्डर ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने ऑफर्स में अप्लाई करते हो तो आपको जल्द से जल्द ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसे चार रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो अगर आप अपने ऑफर्स के थ्रू फुलफिल कर देते हो तो मैक्सिमम चांस है कि ऑर्डर आपको ही मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं उन टारगेट्स के बारे में या फिर उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिन्हें अगर हम अपने ऑफर में पूरा करते हैं तो हमें ऑर्डर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। टारगेट नंबर 1, बायर को अपने ऑफर पर रोकना। टारगेट नंबर 2, बायर से अपने ऑफर पर क्लिक करवाना। टारगेट नंबर 3, कि बायर से खुद को कॉन्टैक्ट करवाना। और टारगेट नंबर 4, कि बायर से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके ऑर्डर प्लेस करवाना। तो चलिए बढ़ते हैं अब उन टिप्स की तरफ जिनकी मदद से हम ये चारों टारगेट्स पूरा करने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम fiverr.com पर एक दिन में 10 बायर रिक्वेस्ट पर ऑफर सेंड कर सकते हैं। और टिप नंबर 1 भी यही है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें रोज के रोज 10 बायर रिक्वेस्ट पर ऑफर सेंड करने ही चाहिए, क्या पता कौन से रिक्वेस्ट पर ऑर्डर आ जाए। टिप नंबर 2 है कि आपको रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप यह पता लगा सके कि आखिर बायर आपसे मांग क्या रहा है। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे अपने ऑफर डिस्क्रिप्शन का उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा डिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर में। और अगर नहीं तो कम से कम शुरुआत के एक या फिर दो लाइन आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। होता क्या है कि बायर जब अपना रिक्वेस्ट पोस्ट करता है तो उस पर ढेर सारे सेलर्स अपना ऑफर पोस्ट कर देते हैं, तो ऐसे में जब बायर उतने सारे ऑफर्स को स्क्रॉल डाउन करेगा और अगर आपने अपने ऑफर को कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो मैक्सिमम चांस होगा कि उसकी नज़र में आ जाएगा और वो रुकेगा, और इस तरह से बायर कम से कम हमारी ऑफर को पढ़ लेगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 में आपको क्या करना है कि जो बायर का जो नेम होता है वो आपको अपने ऑफर की शुरुआत में लिखना है। अगर आपको नहीं पता कि हम बायर रिक्वेस्ट में कैसे बायर के नेम को पता कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। टिप नंबर 5, कि आपको शुरुआत की जो एक दो लाइन होती है उसको अट्रैक्टिव लिखनी है और टू द पॉइंट लिखनी है, क्योंकि हमें जिस तरह से बायर रिक्वेस्ट में शुरुआत की कुछ एक दो लाइन ही नजर आती है उस तरह से बायर्स को भी ऑफर में शुरुआत की कुछ एक दो लाइन से नजर आती है, इसलिए ट्राई करें कि शुरुआत की कुछ एक दो लाइन अट्रैक्टिव लिखें। और इसी तरह से हम टिप नंबर 4 और टिप नंबर 5 की मदद से बायर को अपना ऑफर क्लिक करवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब बायर हमारे ऑफर में खुद का नाम देखेगा और ये देखेगा कि इस ऑफर में टू द पॉइंट बातें लिखी गई है तो हमारे ऑफर को जरूर ओपन करेगा। टिप नंबर 6 है कि आपको अपने ऑफर को कम शब्दों में अच्छे से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि बायर के पास पूरा ऑफर पढ़ने का टाइम नहीं होता और ना ही कोई चाहता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़े, इसलिए ट्राई करें कि अपने ऑफर को छोटा से छोटा रखें। बढ़ते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो टिप नंबर 7 प्राइसिंग से रिलेटेड है। तो जब हम अपना ऑफर सबमिट करवाते हैं तो हमें वहाँ पे अपनी प्राइसिंग सेट करनी होती है, तो ऐसे में हमारे मन में सवाल ये उठता है कि हम अपनी प्राइसिंग को कम रखें या फिर ज़्यादा रखें। मैं रिकमेंड करूँ कि आप अपने बजट को एवरेज रखें, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर बायर ने अपना बजट $100 रखा हुआ है तो आपको अपना बजट $50 या फिर $60 रखना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे आखिरी टिप पर। तो टिप नंबर 8 क्या है कि आपको ऑफर सेंड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ऑनलाइन रहना है ताकि बायर जब आपको कॉन्टैक्ट करे तो आप जल्द से जल्द रिप्लाई कर सको। तो अगर आप ये सारे टिप्स अच्छे से फॉलो करते हो तो आप ये चारों टारगेट आसानी से पूरे कर सकते हो। बट एट द एंड अगर बायर आपको कॉन्टैक्ट करता है तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उससे किस तरह से कम्युनिकेट करके ऑर्डर प्लेस करवाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।